देखिए यहाँ पे क्लास 7th का चैप्टर 5th का फ्रैक्शन एंड मल्टीपल्स का एक्सरसाइज 14 का 1-5 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट डाउन ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 15 एंड 8 द फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो 15 का जो है फैक्टर 1 3 5 एंड 15 होगा जो कि सी के टेबल में आते हैं। इसका फर्स्ट 5 मल्टीपल मतलब 15 का 5 मल्टीपल मतलब 5 टाइम 15 1 या 15 2 या 30 15 3 या 45 15 4 या 60 15 5 या 75 इसका फैक्टर इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आंसर हुआ। इसी तरीके से राइट द 4, 6, 7, 9 मल्टीपल आप 12 का 4, 12 का 6 जा 72 12, 7 जा 84 12, 9 जा 108 इसी तरीके से 15, 4 जा 15, 6 जा 15, 7 जा 15, 4 जा 16 15, 6 जा 90 15, 7 जा 105 15, 8 जा 120 अब राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड द अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए इसके अंडरलाइन करना है। आप देखिए इसका 30 का फैक्टर इस तरीके से कर किए द फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1, 2 तो देखिए 15 2 30 10 3 जा 30 5 6 जा 30 6 5 जा 30 10 3 जा 30 15 2 जा 30 31 जा 30 तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है। ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है? ग्रेटेस्ट फैक्टर आपका 30 है। इसी तरीके से 48 का 2 6 24 फिर 12 6 3 एंड 1 अब इसका देखिए 1 का टेबल में 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48 इस ग्रेटर 48 है स्मॉलर 1 है। अब इसी तरीके से फैक्टर करेंगे। एक तरीके से और कर सकते हैं कि 2 से 20 तक आप टेबल लिख लीजिए और देखिए उसमें जो है 48 किस किस टेबल में आता है तो आपको देखिएगा इस टेबल में आता है। ठीक इसी तरीके से क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑड एंड इवन नंबर। तो ऑड नंबर देखिए यहाँ पे इस ऑड नंबर का प्रोसेस क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर तभी होगा जब 0, 2, 4, 6, 8 इन पॉइंट में होगा नहीं तो ऑड होगा। देखिए इसमें 8 है तो इवन नंबर, इसमें 5 नहीं है तो ऑड नंबर, इसमें 9 नहीं है तो ऑड नंबर, इसमें 0 है तो यह इवन नंबर है। राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 80 तो 51 देखिए 50 के बाद ऑड नंबर 51 53 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 इस तरीके से यह मेरा 50 280 के बीच में यह ऑड नंबर है। ओके okay?